आप देख रहे हैं देश का वो 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन माफिया में आज रीवा में परिवहन विभाग ने परिवहन माफियाओं पर दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। रिवाटियों मनीष त्रिपाठी परिवहन उड़नदस्ता प्रभारी अलीम खान के नेतृत्व में परिवहन विभाग टीम ने शहर के महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कंपनी में छापामार कार्रवाई करते हुए यार्ड में खड़े 46 वाहनों को जब्त किया है। जब्त वाहनों में स्कूल बस समेत चार पहिया वाहन शामिल होना बताए जा रहे हैं। कार्रवाई को लेकर जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि आरटीओ मनीष त्रिपाठी ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन माफिया के तहत कार्रवाई की जा रही है जो निरंतर जारी रहेगी। बताया गया है कि आज शहर के रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप महिंद्रा संचालित महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कंपनी में छापामार कार्रवाई की गई है। इस दौरान फाइनेंस कंपनी की यार्ड वाहन में खड़े 46 वाहनों को जब्त किया गया है, जिनमें से कुछ के पंजीयन नहीं थे तो कुछ वाहनों का टैक्स बकाया है। मौके पर पंचनामा कार्रवाई कर सभी वाहनों को जब्त कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से आ रही है, जहां परिवहन विभाग ने मिशन माफिया में दूसरे दिन बड़ी कार्रवाई करते हुए फाइनेंस कंपनी के यार्ड में खड़े 46 वाहनों को जब्त कर लिया है। बता दें कि एक दिन पूर्व ही रीवा में श्रीराम फाइनेंस कंपनी की यार्ड से तकरीबन 70 छोटे बड़े वाहनों को जब्त कर कार्रवाई की गई थी। परिवहन विभाग द्वारा लगातार की जा रही इस कार्रवाई से जिले के परिवहन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, परिवहन आयुक्त महोदय का बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि ट्रांसपोर्ट माफिया के विरुद्ध हमें कार्रवाई करनी है। ट्रांसपोर्ट माफिया में वो सभी हम मान रहे हैं जो हमारा टैक्स चोरी कर रहे हैं, गाड़ी ऐसे निकाल टैक्स।